हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी थोड़ी देर पहले ही नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आई थी जेफरी डैमर के बारे में, और वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक तरीके का इंसान था, जो कि हैवान की अगर ट्रू रूप अगर कोई है तो वही है। जिन लोगों ने देख लिया उनको पता है कि किस बेहतरीन तरीके से इसका रूपांतर हुआ और बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया। अब वैसे ही खौफनाक कॉन्वर्सेशंस जो आपको, जिसे कहते हैं कि फिक्शन के रूप में दिखाई गई थी, यहाँ पर आपको रियल कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलेंगी। एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसके अंदर सिर्फ 3 एपिसोड हैं, और यहां पर आपको और गहराई में उसकी आवाज के अंदर सब कुछ सुनने को मिलेगा जेफरी डैमर का। ये कॉन्वर्सेशन विद द किलर, द जेफरी डैमर टेप्स, ये आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। आए हुए एक दो दिन हो गए बट मुझे देखने का मौका नहीं मिला। जब मैंने देखा इसको तो ये काफी चिलिंग एक्सपीरियंस है। एक होता है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक फिक्शन को, आपको पता है कि फिक्टिशियस कैरेक्टर हैं, आप थोड़ा सा डरेंगे और ये करेंगे। जब आप एक ऐसे इंसान की आवाज़ सुनते हैं जिसके आवाज़ में कोई पिच नहीं है, ना एलिवेशन है, ना ड्रॉप है, कोई पछतावा नहीं है, और किस तरीके से वो ये मर्डर करता था और उसके लिए ये मर्डर करना किस तरीके की हैबिट थी, कैसे वो ड्रग करता था, कैसे वो खोपड़ियाँ खोल देता था, कैसे वो अंग काट देता था, कैसे उनको वो स्टोर करता था, कई कुछ का खुलासा होता है। और यहाँ पर आपको जब उसकी आवाज़ में ये सब कुछ सुनने को मिलता है तो वो जो चिल्स क्रिएट होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल होते हैं। और फॉर्मेट भी बड़ा सिंपल सा यहाँ पर रखा गया है कि एक डिस्कवरी होती है, फिर बहुत सारी बैक एंड फोर्थ आपको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती हैं, चाहे वो लॉयर हो, चाहे फिर उस जमाने में का जज हो, चाहे फिर वो उस ज़माने के कोई सोसाइटी रिफॉर्म करने वाले लोग हों, चाहे साइकाइट्रिस्ट हो, चाहे फिर आप किसी पुलिस वाले से बात कर रहे हों, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कर रहे हों, तो जितना भी वो मटेरियल गैदर कर सकते थे वो करते हैं। आपको एक डिस्कवरी का टाइम दिखता है, फिर आपको वो टेप सुनाई जाती हैं, और बैक एंड फोर्थ होते होते एक पूरा नरेटिव आपके सामने आता है। अब जिन लोगों ने डैमर देख ली है तो वो तो ठीक है, डैमर आपने देख ली बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं देख पाए हैं और वो एक एक्चुअल जैसे कहते हैं ना उसकी खुद की आवाज़ में इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं 3 एपिसोड में। एक तो आपका टाइम बचेगा और ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रियल लगा क्योंकि यहाँ पर आप जेन्युइनली उन लोगों से इंटरेक्ट करते हो थ्रू द स्क्रीन जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। साथ ही साथ में जो इफेक्ट होता है उसके खुद के दिमाग के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं कि नेबरहुड के अंदर, और वो क्या सोसाइटी उस टाइम पे सोच रही थी जब भी सब कुछ हो रहा था, और स्पेसिफिकली ब्लैक्स के कम्युनिटी के अंदर जो खौफ था वो जो बन गया था, वो भी आपको काफ़ी अच्छे खासे चिल्स देगा। वैसे कहते हैं जब आप बुरा काम करते हैं तो आपका अंत भी बुरा होता है, तो इसका अंत भी कोई बहुत ज़्यादा प्लीजिंग नहीं था जो हमें दिखाया गया है यहाँ पर। और कुछ केसेस होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, और ये भी एक किस्म का सॉल्व केस ही है, बट जो चीज़ अनसॉल्व है वो यही है कि मेंटल जो प्रेशर है और जो डुअल पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट उसके यहाँ दिखाई गई है, वो एक्चुअली में होती क्यों है सोसाइटी में, और कैसे हम एज अ इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, और अगर हम किसी इंसान में ऐसा देखते हैं तो उसको कैसे हम नोटिफाई कर सकते हैं अथॉरिटीज को, ये इसका बिगर टेक अवे है। अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट्री तो आपको काफी अच्छा दिखेगा। इसके अंदर फॉर्मेट जैसे मैंने बताया बहुत ही अच्छा, डिस्कवरी फेज से लेके फाइनल कंक्लूजन तक है, बट उस कंक्लूजन तक आते आते भी जिस तरीके से इन्होंने स्टिचिंग करी है, बैक एंड फोर्थ किया, वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और जो वेंडी लॉयर है यहाँ पर, उनका सोचने का तरीका, उससे बात करने के बाद इन्वॉल्वमेंट, ये एक प्लस पॉइंट है जो आप उस इंडिविजुअल की सोच, यानी कि जेफरी डैमर की जो सोच है उसको वेंडी लॉयर की आवाज में सुनते हो। अगर इसका मैं कोई डाउनसाइड अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं बहुत छोटी छोटी हैं। अगर आप इसको सुनोगे तो एक 4 सेंटेंस एक साथ नहीं है, एक सेंटेंस बोल दिया, आधा डेढ़ सेंटेंस बोल दिया, फिर छूट गया। अगर आपके पास इतनी रिफाइंड टेप्स हैं तो वो टेप फिर पूरी चल सकती थी और आप पूरी कॉन्वर्सेशन सुन सकते थे। हालांकि पता नहीं है कि नहीं है इनके पास, बट जो फॉर्मेट में यहाँ दिखाया जाता है वो एक एक डेढ़ सेंटेंसेज हैं, वो पूरे पूरे लंबे लंबे कॉन्वर्सेशन नहीं है, जो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं पूरा ही सुनता हूँ कि कहाँ उसने पॉज लिया, उससे क्या पूछा था, उसने आंसर किस पर्सपेक्टिव से दिया। अभी आप सिर्फ उसकी बात सुन रहे हो तो उससे क्या पूछा है ये आपको शायद थोड़ा सा कम पता चलता है। एनीवेज, जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ और रिव्यूज के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।